इंडिया और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के बाद हालात और खराब हो गए हैं। भारत समेत कई देशों को इस घातक वेरिएंट का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली और मुंबई इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 282,970 नए मामले सामने आए और 188,157 रिकवरी हुई। बात उत्तर प्रदेश की करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,803 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 20,191 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में सोमवार को कोरोना संक्रमित लोगों में 12 लोगों की मौत हुई। इधर कोरोना वायरस की चपेट में आए सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या अब 10 हो गई है। इस मौके पर राहत की खबर आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि 15 से 18 साल के 50% से ज्यादा युवाओं को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। देश में कोरोना की तीसरी लहर के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच कई राजनीतिक नेता भी इसकी चपेट में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री सतीश महाना कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उन्होंने बताया कि उनकी हल्की लक्षणों के बाद कोविड जांच पॉजिटिव आई है। इसके अलावा दिल्ली में 1 महीने के नवजात शिशु को कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे में चिड़चिड़ापन और भूखना पीने के लक्षणों के बाद अस्पताल में लाया गया था। जांच में बच्चे के कोविड पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने इलाज के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया। बता दें यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में अभी तेजी पर करार है। इस बीच सीएम योगी ने कोविड मैनेजमेंट का काम देख रही टीम 9 की हाई लेवल बैठक बुलाई, जिसमें अफसरों के साथ कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा की, जिसमें सीएम ने प्रत्येक जिले में कम से कम एक बड़े अस्पताल को डेडिकेट कोविड हॉस्पिटल के रूप से आरक्षित करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने अन्य अस्पतालों को नॉन कोविड मरीजों के लिए उपलब्ध रहने की भी निर्देश जारी किए। इस बीच अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं को कोविड प्रोटोकॉल का साथ संचालित रखने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पारंपरिक मेले स्नान पर्व के आयोजन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए। बात वैक्सीनेशन की करें तो प्रदेश में 18 साल से ज्यादा उम्र के 95% से अधिक लोगों ने टीके की पहली डोज ले ली है, जबकि